सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo Y20 ट्वेंटी फोन में ऐप में फिंगर कैसे उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं हाँ जी दोस्तों Vivo के Y20 ट्वेंटी फोन में आप ऐप में फिंगर लगा सकते हैं कैसे लगाना उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा स्कीप मत कीजिएगा तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना तो फाइनली दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं Vivo Y20 में आप ऐप में फिंगरप्रिंट कैसे लगाना उसके बारे में चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो मिल जाएगा तो अगर आपके पास विवो का वाई ट्वेंटी आई फोन है तो उसमें आप ऐप में फिंगर लगा सकते हैं यहां पे फिंगर लगा सकते हैं कैसे लगाना है मैं आपको चल के बताता हूं तो आपको क्या करना होगा जाना होगा अपने फोन के सेटिंग में आप जैसे सेटिंग में आते हैं उसके बाद आपको स्कोल डाउन करके जाना होगा नीचे आप जैसे स्कोल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे आपको क्लिक कर देना आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं प्राइवेसी एंड एप्स का ऑप्शन है तो इसपे आपको क्लिक कर देना है आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहां पे पासवर्ड मांगेगा अगर आप यहां पे पहले से पासवर्ड बना रखे हैं तो यहां यहां पे पे कुछ यहाँ पे आपका ओल्ड पासवर्ड पासवर्ड मांगेगा अगर आप कोई नहीं बनाए हैं तो आप यहां पे न्यू पासवर्ड अपना एक बना लेना तो फाइनली दोस्तों यहां पे पहले से मैं अपना पासवर्ड बना रखा हूं तो मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूं अब जैसे यहां पर मैं अपना पासवर्ड डालूंगा उसके बाद यहां पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा तो ऐप पे आपको क्लिक करेगा करना है उसके बाद आपको यहां पे सभी एप्स शो हो जाएगा तो यहां पे आपको सबसे पहले ऐप पे लॉक लगाना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिंगर कैसे लगाना है तो यहां पे मैं के लिए आपको बताता हूं एल्बम और यहां पे फाइल मैनेजर तो दो ऐप में मैंने लॉक लगा चुका हूं और मैं आपको चल के दिखाता हूं होम स्क्रीन पे तो यहां पे आप देख सकते हैं एल्बम एल्बम में लॉक लग चुका है यहां पर फिंगर प्रिंट नहीं आ रहा है और मैं इसको पासवर्ड से खोलूंगा तो ये ओपन हो जाएगा तो अब मुझे क्या करना है यहां पे फिंगरप्रिंट कैसे इस पे ऐप में लगाना है तो मैं आपको क्या करना सेटिंग में जाना होगा आपको अब जैसे अपने फोन के सेटिंग में आप जाएंगे तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा फिंगर फिंगर फेस फेस एंड एंड पासवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन तो पे आपको क्लिक कर देना आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा फिंगर प्रिंट तो फिंगर प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना उसके बाद आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी एंड एप्स का ऑप्शन तो आपको इसको ऑन करना आप जैसे इसको ऑन करेंगे तो यहां पे आपका पासवर्ड मांगेगा तो आपको पासवर्ड यहां पे डाल लेना है अगर आपने पासवर्ड पहले से बना रखा तो आपको कोई जरूरत नहीं आपको वहां पे जो ऐप पे पासवर्ड लगाए वही पासवर्ड मांगेगा अगर पासवर्ड नहीं बना रखे हैं तो आपका एक न्यू पासवर्ड स्क्रीन का जो होता है वो मांगेगा तो आपको यहां पे डाल लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई हो जाएगा आपका जो पासवर्ड यहाँ पे फिंगरप्रिंट का एरो आ जाएगा तो आपको यहाँ पे फिंगर लगाना है अब देख सकते हैं मैं अपना फिंगर लगा रहा हूँ उसके बाद आपको बताता हूं कैसे ये वर्क करता है उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का फिर से करना होगा कंटिन्यू पे दोबारा से मुझे लगाना होगा फिंगर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे ये ऐप लॉक में जो कि फिंगरप्रिंट लग जाता है तो यहाँ पे हो चुका अब ओके का ऑप्शन है ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ अब देख सकते हैं जो कि यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड मैं यहां पे डाल देता हूँ उसके बाद पासवर्ड डाल दिया उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन जो कि ऑन हो चुका है प्राइवेसी एंड एप्स का का भी और पे का भी और पे अनलॉक ऑप्शन तो अब मैं चल के दिखाता हूं ऐप में तो यहां पे आप देख सकते हैं एल्बम एल्बम में आप देख सकते हैं जो कि फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ चुका है अब मैं इसको फिंगरप्रिंट से ओपन कर सकता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट से जो कि मेरा एप्स ओपन हो चुका है और यहां पे मैं क्योंकि फाइल मैनेजर दिखाता हूं तो फाइल मैनेजर में भी, भी आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ चुका है तो मैं इसको भी फिंगरप्रिंट से ओपन कर लिया तो इसी तरीके से आप आप अपने के Y20 iPhone में आप में ऐप फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं एंड आपको कैसे लगाना मैं आपको पूरा प्रोसेस यहां पे बता दिया हूं तो जाके अपने सेटिंग से और वहां से आप लगा सकते हैं तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आई पर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय दोस्तों